नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। लीगल कनेक्ट में आज हम बात कर रहे हैं जमीन और रजिस्ट्री से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के विषय में। अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं और उसके पूरे मालिकाना हक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक ट्यूटोरियल के माध्यम से समझा रहे हैं कि आप कैसे जमीन के असली मालिक के विषय में पूरी जानकारी कर सकते हैं। अगर आपके पास खसरा नंबर हो तो आप उसे ऑनलाइन वेबसाइट पर डालकर पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। तो आइए देखें ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं और गूगल में हम टाइप करेंगे www.bhulekh.in। यहाँ आपके सामने गूगल में कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसमें हमें देखना है कि भूमि का मालिक कौन है, तो हम खसरा संख्या से देखते हैं, खाता संख्या से। तो यहाँ पर हम पर इस वेबसाइट पर क्लिक करें, भूलेख, ये हिंदी में आ रहा है आपके सामने। अब आप सबसे पहले इसमें चुनें, मान लीजिए कि हम आजमगढ़ के किसी जिले में किसी उसको देखना चाहते हैं, तो हमने पहले जिला चुना। फिर सामने हमें तहसील नजर आ रही है, तहसील में हमने बुढ़नपुर तहसील को चुना। अब हमें यहाँ पे ग्राम को चुनना है कि हम किस गांव में अपनी जमीन को देखना चाह रहे हैं, तो हमने ये अकबेलपुर अजगरा चुना। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, तीनों ऑप्शन भरे, जिला, गांव, तो आपके सामने ये खसरा संख्या भरने के लिए एक कैलेंडर खुल गया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है खसरा संख्या। जब आप खसरा संख्या भरेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये, अगर आपने पहले कभी सर्च किया तो सर्च में खुद से भी ले लेगा, लेकिन अगर आपको कोई और सर्च करना है तो आपको इन नंबर्स पर ही क्लिक करना होगा। तो हम 115 नंबर का खसरा चुनना चाहते हैं। जब हमने 115 नंबर 115 सेलेक्ट किया, फिर यहाँ हमने खोजे पर क्लिक किया, तो हमारे सामने एक संख्या खुल के आई। इसमें एक छोटा सा गोल है, इसके अंदर क्लिक किया और इन्होंने कहा उदाहरण देखें। यहाँ पे हमें कैप्चा डालना होगा, जो स्क्रीन पर, ये इसको कैप्चा कहते हैं, जो स्क्रीन पर आपको सामने शब्द दिख रहे हैं वो जिस तरह दिख रहे हैं ठीक वैसे ही भरने हैं। अगर ये स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल भरेंगे, जैसे ये एस कैपिटल है, एम कैपिटल है, ई कैपिटल, के, आर, एल। जब हम इसमें कैप्स लॉक में डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक विवरण खुल गया, भूलेख उत्तर प्रदेश का, जिसमें खाता विवरण आपका सामने नजर आ रहा है। ये जो गांव है इसका नाम अकबेलपुर है और ये परगना आपका अतरौलिया है, तहसील आपकी बुढ़नपुर है, जनपद आजमगढ़ है और फसली वर्ष 1422 से 1427 तक है। अब नीचे आपको ये इनके मालिक के नाम नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप किसी जमीन का, अगर आपके पास खसरा संख्या है तो आप उसका पूरा विवरण इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर डालकर जमीन के मालिकाना हक के बारे में जानकारी करने का। इसी तरह आप अलग अलग राज्यों में भी उनकी वेबसाइट्स पर जाकर खसरा नंबर डाल के आप पूरी तरह से ये जान सकते हैं कि इस जमीन का मालिक कौन है, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं क्या वो सही व्यक्ति है या नहीं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो तक के लिए विदा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।